हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे आज जिस साड़ी का रिव्यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इस तरह की साड़ी है अपर साइड का बॉर्डर जो है कम का है और बॉटम साइड देखिए कितना चौड़ा बॉर्डर है इसमें पूरी साड़ी प्लेन है फाइव एंड हाफ मीटर की जो है ये साड़ी है टोटल साड़ी का जो पल्ला है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट में है ये देखिए इस तरह का गोल्डन कलर का ये पल्ला है तो इस ड्रेस में मैं इस पल्ले का यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसकी हम कटिंग करके इसको सेपरेट कर देंगे लाइनिंग जो है ये मैंने थ्री मीटर ली है कॉटन की लाइनिंग है इसको धो के जो है मतलब पानी में से निकाल के सुखा के उसके बाद इसको मैंने आयरन कर लिया है सबसे पहले तो हम इस साड़ी के पल्ले को कट करके अलग कर देंगे ये देखिए पौने एक, एक मीटर के आसपास ये फैब्रिक है ये जो अलग कर दिया मैंने तो पौने पांच मीटर के आसपास जो हमारे पास ये वो टोटल फैब्रिक बच गया है इसको भी कर देंगे साइड अभी कॉटन का जो फैब्रिक है वो हमने लेना है उसको जैसे ही फोल्ड करके आता है ना सेम वैसे ही मैंने रखा है और उसको एक बार दोबारा से फोल्ड कर दिया यहाँ पे ये कपड़ा चार तय में है तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट जो है इकट्ठा कट हो जाएगा अब यहाँ पे हमने चौड़ाई देखी कितनी रखनी है बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है जितनी भी आपकी वस्त है उसको आप फोर से डिवाइड कर देंगे जितनी भी आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से अपनी वस्त लेंगे उसको फोर से डिवाइड कर देंगे उससे आगे लेना होता है हमें मार्जिन तो मार्जिन आप वन इंच भी ले सकते हो टू इंचिस भी ले सकते हो अब मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक नहीं है तो मैं वन इंचिस ही ले रही हूँ ये ड्रेस टू पार्ट्स में डिवाइड होगी अपर पार्ट जो है वो फिफ्टीन इंचेस का है तो हाफ इंच मैंने ऊपर की तरफ को छोड़ दिया मार्जिन सिलाई के लिए और नीचे की तरफ को अब मैंने फिफ्टीन एंड हाफ इंचेस रख लिया फिफ्टीन इंचेस हमारी तैयार लेंथ है और हाफ इंच मैंने नीचे की तरफ को भी मार्जिन रख लिया अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के हम इसको कट कर लेंगे लेंथ है इसकी सिक्सटीन इंचेस और विथ है टेन एंड हाफ इंचेस अब इन दोनों पार्ट्स की हम इकट्ठी कटिंग कर लेंगे शोल्डर्स हैं फोर्टीन इंचेस तो जितने भी शोल्डर्स हैं ना उसका हाफ ले लेते हैं हम यहाँ पे तो सेवन यहाँ पे ले लिया और नीचे की तरफ को आर्म होल जो है हम हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं शोल्डर से तो ये ले लिया सेवन पॉइंट फाइव ये आ गई हमारी आर्म होल लाइन या फिर वेस्ट लाइन भी बोल देते हैं इसको अब जितनी भी वर्ष है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे तो वर्स्ट है थर्टी एट उसका फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे तो आया नाइन पॉइंट फाइव मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे कमर की शेप दी जाती है तो कमर है थर्टी फोर थर्टी फोर का फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे तो आया एट पॉइंट फाइव अब एट पॉइंट फाइव तो हमने मार्क कर लिया उससे आगे हमने टक्स देने के लिए मतलब अच्छी शेप देने के लिए ना कमर में यहाँ पे हम टक्स दे देते हैं तो वन इंच का यहाँ पे मैंने टक्स के लिए मार्क कर लिया उसे आगे जो ये मार्जिन बचा ये बच गया सिलाई के बाहर का मार्जिन आर्म होल की शेप देने के लिए वन एंड हाफ इंच पे मार्क करेंगे इस पॉइंट पे बस इसको इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर्स डाउन करने होते हैं और ये है नेक की वेथ तो ये मैंने थ्री इंच रखी है बैक आर्म होल की शेप तो हमने दे दी है अब इसी पे हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे ये देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ को टक्स देने के लिए इस तरफ से फोर इंच पे मार्क करेंगे फिर दोनों तरफ को हाफ हाफ इंच पे मार्क करना है और ऊपर की तरफ को ये देखिए फोर एंड हाफ इंच पे मार्क करके अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे ये जो कॉर्नर है ना यहाँ से भी वन इंच का मार्क लगा के इस तरह से शेप दे देंगे राउंड में ये शेप जरूर दीजिएगा नहीं तो यहाँ से ड्रेस लटकती है नीचे की तरफ को इस मार्क से ये कटिंग नहीं करेंगे अभी ये हम आर्म होल की कटिंग करेंगे मतलब ये बैक जो पार्ट है ना उसी की कटिंग हो रही है तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर की कटिंग नहीं करनी ऊपर से अब ये जो बैक वाला पार्ट है ना इसको हम निकाल देंगे साइड कर देंगे ये रहा फ्रंट वाला पार्ट अब हमने शोल्डर के ऊपर जो मार्क लगाया ना उसकी कटिंग करनी है इससे क्या होगा जो बैक वाला पार्ट है वो बड़ा रहेगा मतलब उसका साइज़ ज़्यादा होगा लेंथ ज़्यादा होगी और ये जो फ्रंट वाला पीस है इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है आगे का जो गला है ना वो पीछे की तरफ को जाता है तो वो वाली जो प्रॉब्लम है ना वो इससे सॉल्व हो जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो बैक वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा उसकी जो लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है टक्स पे भी कट लगा देंगे इस तरह से और ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड किया दूसरी तरफ भी ये ट्रेस हो जाएंगे दोनों ही पार्ट्स में हमने इसी तरह से इनको ट्रेस कर लेना है ये लाइनिंग हमारी रेडी हो गई है बैक की भी और फ्रंट की भी अब मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है तो उसके लिए देखिए इस तरह से एक एक लाइनिंग जो है फोल्ड करके हमने इस मेन फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेनी है इस तरह से मेन फैब्रिक की क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है उसके ऊपर जो ये लाइनिंग रख रही हूँ मैं ये भी क्लोज साइड अपनी तरफ को ही रखी है बस इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे बैक वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे इसमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों तो इकट्ठे मैंने रखे हैं अब नेक की विर्थ यहाँ पे मैं थ्री इंचेस ले रही हूँ आपकी मर्जी आप टू एंड हाफ इंच भी ले सकते हो अगर कम लेते हो तो और यहाँ लेंथ मैंने नाइन इंचेस रखी है यहाँ से फिर से थ्री इंच लेके एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप देनी है हमने बैक नेक को मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के ऊपर लाइनिंग रख के इस तरह से सिलाई लगा देंगे इसमें ये रहा फ्रंट पार्ट तो नीचे की तरफ से ना थ्री इंच यहां मार्क करेंगे और नेक की विथ फिर से हमने थ्री इंच ही रखनी है यहां से लिया फोर एंड हाफ इंचेस अब आपको जिस तरह की शेप पसंद है ना उस तरह की शेप यहाँ पे दे दें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग भी बैक पार्ट की तरह ही करनी है इस तरह से लाइनिंग रख के और जो मेन फैब्रिक की राइट uh, साइड right है वो अंदर की तरफ को करके इस तरह से अच्छे से सेट करके यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर देनी है बॉडी पार्ट कट करने के बाद ये जो फैब्रिक है ना ये बच गया था तो इस बॉर्डर से हमने योक uh, पार्ट बनाना है तो ये जो हमने कट पीस निकाला था ना नेक से फ्रंट वाले से वो पीस हमने फेंकना नहीं है उसको संभाल के रखेंगे तो ये इस तरह से रख के इसकी अब हमने कटिंग करनी है तो टू इंच का मार्जिन रखा है मैंने पूरे में सेम पीस हमें एक और चाहिए होगा लेकिन उसकी नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे नेक्स्ट अब हमने बॉटम में कलियों की कटिंग करनी है तो उसके लिए ये जो बॉडी पार्ट है यहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी है तो ये टोटल बन रहा है अलेवन इंच का टू इंचज के इसमें से टक्स चले जाएंगे वन इंच का एक साइड से वन इंच का दूसरी साइड से तो टू इंच हो गया अलेवन में से टू इंच हम लेस कर देंगे तो ये बचता है नाइन इंचज तो ये डबल है इस वक्त तो एटीन इंचिस हो गया टोटल अब दूसरा जो पीस है वो भी इसी तरह से है अलेवन इंचिस का है टू इंचज इसमें से टक्स लेस हो जाएंगे तो ये भी एटीन इंचज का हो गया तो टोटल जो है हमें कलियों का घेर थर्टी सिक्स इंचज चाहिए एटीन इंचिस एक तरफ एटीन इंचिस दूसरी तरफ के लिए टोटल ये अब हमारे पास थ्री एंड हाफ मीटर फैब्रिक बच गया है जिससे हमने बॉटम बनाना है लेंथ देख लेंगे सबसे पहले तो लेंथ यहाँ पे फोर्टी थ्री इंचज हमें चाहिए होगी तो ये देखिए नीचे की तरफ से मैं लेंथ ले रही हूँ फोर्टी थ्री जहाँ पर भी आती है वहाँ से मैं इस बॉर्डर को देखिए कट कर दूंगी तो ये जो लेंथ है ना ये फोर्टी थ्री आ गई है अब ये बॉर्डर मैंने कट करके अलग कर दिया वैसे भी हमने ये ड्रेस में लेना नहीं था अब जितना भी ये कपड़ा है ना उसका फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद अब इसको सेंटर से मैं कट कर दूंगी ये हमने कट इसलिए किया है क्योंकि हमने बैक और फ्रंट पार्ट के लिए कलियां जो है अलग अलग कट करनी है इससे आपको कलियों की वृत निकालने का अच्छा आइडिया हो जाएगा और कन्फ्यूज़न कम होगा अब ये देखिए मैंने एक पार्ट जो है ना वो अलग करके रख दिया है अब एक जो पार्ट है वो मैंने ले लिया उसको मैंने कर लिया फोल्ड तो ये मैंने ये देखिए फोर टाइम फोल्ड कर दिया इस कपड़े को इस तरह से फोर टाइम जब हम फोल्ड कर देंगे तो एट लेयर्स में ये हमारे पास कपड़ा आ जाएगा तो एट कलीज हमारी यहाँ से निकल जाएंगी बॉटम की तरफ से तो कलियों की चुड़ाई निकालने की जरूरत नहीं है जितनी भी वेट्स हैं पूरी की पूरी ले लेंगे लेकिन ऊपर की तरफ से जो है कलियों की चुड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी वो हम किस तरह से निकालते हैं एक साइड की कमर थी हमारी अठारह इंचिस एट कलीज हमने कट करनी है तो बस 18 को 8 से डिवाइड कर देंगे जो भी आंसर आएगा वो हमारी विर्थ आ जाएगी सपोज करो कि हमारी जो कमर है वो 18 इंचेस है और कलियां हमने 10 कट करनी है तो ये आंसर आ जाएगा बस ऐसे ही कलियों की वीर्थ निकालनी है मेजरमेंट्स कुछ भी हो कलियों की व्य निकल गई अब हमने वन इंच इसमें ऐड कर देना है मार्जिन दोनों तरफ से क्योंकि हमने कलियों को अटैच भी करना है कमर की साइड से हर एक कली की जो विर्थ है हमारी थ्री पॉइंट टू फाइव आ गई अब हमने मेजरमेंट्स कैसे लेनी है कैसे इसकी कटिंग करनी है वो देख लेते हैं सबसे पहले इस सारे कपड़े का हम सेंटर निकाल लेंगे तो ये एट इंचज इसकी विर्थ है सेंटर मैंने निकाल लिया इसका फोर इंचज पे आ गया अब हमने दोनों तरफ को ये कलीज जो है इस तरह से मेजर करनी है सेंटर पॉइंट से हाफ कली हमने एक तरफ को हाफ कली दूसरी तरफ को मार्क करनी है तो उसके लिए थ्री पॉइंट टू फाइव का हमने हाफ कर देना है तो वो होता है वन पॉइंट सिक्स टू फाइव इसका मतलब ये हुआ कि डेढ़ इंच से थोड़ा सा ज्यादा हमने एक तरफ को मार्क करना है और उतना ही दूसरी तरफ को मार्क करना है अगर इसका हम टोटल देखें तो ये थ्री पॉइंट टू फाइव के आसपास ही आएगा बॉटम साइड से कलियों की फिट निकालने की जरूरत नहीं है बस ये जो बॉर्डर है यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे बस एक साइड की ये हमारी कलियां रेडी हो गई हैं इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट के लिए भी कलियां कट कर लेनी है एट कलीज फ्रंट में आएंगी एट कलीज बैक के लिए कट कर लेंगे ऊपर से गलिया जोड़ना हम स्टार्ट करेंगे यहाँ बॉर्डर तक ही इनको हमने स्टिच करना है ये देखिए इस तरह से ये कलियां बन गई स्लीव्स बनाने के लिए विथ वाइज भी ये मैंने फेब्रिक रखा है फोर वोल्ड में ये फेब्रिक है लेंथ में ले रही हूं यहाँ पे ट्वेल्व इंचेस आर्म होल बनाने के लिए थ्री इंच पे या फिर थ्री एंड हाफ इंचज पे हम मार्क करते हैं आर्म होल रखने का भी बहुत ही सिंपल सा मेथड है जितनी भी आपकी फस्ट है उसको फोर से डिवाइड कर दें इस तरह से भी आप फोर्थ पार्ट निकाल सकते हैं तो थर्टी एट का आया नाइन एंड हाफ इंचज टेप को रखेंगे ऐसे और नाइन एंड हाफ इंचज पे मार्क कर लेंगे लेकिन यहाँ पे हमें हाफ इंच कम करना होता है तो हाफ़ इंच मैंने कम कर लिया अब टू एंड हाफ इंच से हम यहाँ पे शेप देना स्टार्ट करते हैं ये शेप दे दी हमने आर्म होल की स्लीव्स बॉटम है अलेवन इंचेस तो उसका हाफ होता है फाइव एंड हाफ इंचेस यहाँ पे रख लिया मार्जिन वन एंड हाफ इंचेस और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया अब इस तरफ को हमारे पास कपड़ा बच गया है तो इसकी हमारी पफ स्लीव्स बन जाएंगी बहुत अच्छे से तो थ्री इंच या फिर थ्री एंड हाफ इंच कम से कम हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए अगर पफ स्लीव्स बनानी हो यहाँ तक तो नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही कट होती हैं ये सबसे पहले ये देखिए कर लेंगे इसका हाफ़ अब इसके बराबर में एक हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे बस अब ये कर्व लेके या फिर आप अपने आइडिया से ही इस तरह से शेप दे देंगे यहाँ पे अब ये जो इतना एरिया है ना ये सारा जो है पफ में आ जाएगा यहाँ तक बस अब ये पफ स्लीव्स बन गई हैं फ्रंट की आर्म होल शेप जो देते हैं ना हम नॉर्मल सभी स्लीव्स में सेम वैसे ही दे देंगे बॉटम पार्ट की लाइनिंग कट करने के लिए टू मीटर फैब्रिक अब हमारे पास बचा है लाइनिंग वाला तो इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया इस तरह से किनारे के साथ किनारे मिला के ये मैंने फोल्ड किया है लेंथ इसकी है थर्टी नाइन इंचज अब कमर जितनी है हमारी तो वो नाइन इंच है वो मैंने मार्क कर लिया टू इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए क्योंकि ये जो है स्ट्रेट है हम स्ट्रेट कट कर रहे हैं लाइनिंग तो इसमें हमें थोड़ा बढ़ा के रखना होता है अब ऑपोजिट साइड में भी नाइन इंच फिर से आ, मार्क कर लेंगे और टू इंच इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेंगे अब ये जो दोनों पॉइंट्स आए ना लास्ट वाले इनको आपस में मिला के इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी लाइनिंग भी कट हो गई दोनों मतलब फ्रंट में और बैक में दो दो कलियां जो है हम ये जोड़ लेंगे ये यहाँ से कपड़ा फोल्ड था तो ये बंद है कलियाँ तो इनको हम कट कर लेंगे सबसे पहले हम बॉटम पार्ट रेडी कर लेते हैं तो उसके लिए ये देखिए कलियाँ जो है हाँ हमने कैसे स्टिच करनी है आपस में राइट साइड से कलियों को मिलाया इस तरह से रख के हमने स्टार्ट करना है अपर साइड से बॉटम में आते आते ये देखिए जहां तक कटिंग हो रखी है ना उससे वन इंच तक जाके हमने सिलाई को छोड़ना है जैसे टक्स लगाते हैं ना धीरे धीरे सिलाई को छोड़ते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे सिलाई छोड़नी है अब ये देखिए ये कलियां मैंने दो जोड़ ली हैं तीसरी कली मैं इस तरह से जोड़ दूंगी बस इसी तरह से सारी कलियां मैं अटैच कर लूंगी फ्रंट और बैक दोनों तरफ की कलियां मैंने जोड़ ली हैं एट एट कलीज़ ये हमारी रेडी हो गई हैं अब जो लाइनिंग है उसको भी स्टिच कर लेंगे देखिए सेंटर से लाइनिंग की भी दो कलीज फ्रंट में और दो कलीज बैक में जुड़ेंगी तो जो स्ट्रेट वाली साइड है ना वहां से ये मैंने सिलाई लगा ली है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी जोड़ देंगे कमर से इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे वहां से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है दोनों तरफ को स्टिच कर लेंगे इसको और ये देखिए ये जो लाइनिंग है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से फैला के रखेंगे अच्छे से कपड़े को और जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने कट कर दिया इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है बॉटम का अब अपर पार्ट स्टिच करेंगे तो इसके लिए देखिए मेन फेब्रिक जो राइट साइड है ना वो मैंने ऊपर की तरफ को रखी है उसके ऊपर रखी लाइनिंग और यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जो है फोल्ड हो जाए इसको इस तरह से टर्न किया इस तरह से ये नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है बैक साइड की फ्रंट के लिए भी इसी तरह से करना है ये देखिए मैंने पिन अप कर लिया है दोनों पार्ट्स को ये फ्रंट वाला पार्ट है मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ को रख के स्टिचिंग कर दिया है अब ये देखिए इसको भी इसी तरह से टर्न कर दिया ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट अब इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और ये जो योग पार्ट है ना इसको मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट हमें ये चाहिए होंगे तो इनको भी मैंने इस तरह से राइट साइड जो है अंदर की तरफ को रख के स्टिच कर लिया आपस में अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर करके यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के हमने इसको भी टर्न कर लेना है तो ये योग पार्ट रेडी हो गया यहाँ पे भी चाहें तो सिलाई लगा सकते हो आप ये ऐसे रख के इन दोनों पार्ट्स को स्टिच करना है अच्छे से रख के मैंने पिनअप कर लिया अब ये मैंने लेस लिया है एक गोल्डन कलर की इसको मैं जब स्टिच करूँगी ना इन दोनों पार्ट्स को तो ये जो लेस है इसको भी साथ में अटैच कर दूंगी यॉक पार्ट पे लगाने के लिए मैंने लेस के ही ये फ्लास बनाए हैं इसी लेस से ये मैंने बनाए हैं तो इसके लिए फोर इंच जो है ना लेंथ की एक लेस लेंगे इसको कट करके मैं सुई धागे की हेल्प से ना इसमें धागा जो है इंसल्ट करूंगी पीछे की तरफ नोट लगा लिया इसमें और अब बस छोटे छोटे टांके लगा के ना इस तरह से इसमें ये थ्रेड इंसर्ट कर देंगे और जब इसको हम खींचेंगे ना तो ये एक फ्लावर की शेप ले लेगा थ्रेड को खींच के ना इस तरह की शेप आ जाएगी अब ये जो लेस के दोनों एंड्स हैं इनको भी आपस में अटैच कर देंगे अच्छे से स्टिच कर दिया मैंने इसको इसके साथ मैं फैब्रिक में वाइंड किए हुए बटन भी अटैच कर दूंगी मरून कलर के तो इस तरह से ये यॉक पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा टक्स बनाने के लिए ये देखिए ये जो मार्किंग की हुई है ना इसको इस तरह से उठाना है और यहाँ पे लगा देनी है सिलाई तो ये सिलाई जो है धीरे धीरे हमने खत्म करनी होती है इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों साइड में मैंने ये टक्स लगा दिए हैं अब बॉटम पार्ट और अपर पार्ट को आपस में स्टिच करना है ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स आपस में मैंने इस तरह से अटैच कर लिए हैं अब स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है तो उसके लिए ये देखिए ये जो हमने पफ बनाना है ना इसका उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक रफ स्टिचिंग कर लूंगी थ्रेड को खींच के यहाँ पे इस तरह से गैदर्स बना लेंगे ये देखिए ये बन गया हमारा पफ वैसे तो पफ स्लीव्स के लिए कपड़ा बहुत ज्यादा लगता है लेकिन इस तरह से अगर कटिंग करेंगे ना तो कपड़ा भी कम लगेगा और इसकी कटिंग भी इजी है ड्रेस का घेर काफ़ी हो गया थ्री एंड हाफ मीटर फैब्रिक में इससे कम भी अगर आपके पास फैब्रिक है तब भी ये ड्रेस बहुत अच्छे से बन जाएगी ये है फ्रंट वाला पार्ट और इसके ऊपर ये देखिए यॉक पार्ट में ना मैंने बटन्स जो है वाइंड करके लगा दिए हैं और ये रही स्लीव्स ये भी मैंने रेडी कर ली हैं इसमें भी मैंने लेस लगा दी है बॉटम में और अब इनको जो है आपस में स्टिच कर लूंगी दोनों पार्ट्स को शोल्डर लाइन से इन दोनों पार्ट्स को मैंने स्टिच कर लिया है अब स्लीव्स अटैच कर लेंगे तो उसके लिए ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स को इस तरह से पिनअप कर लेंगे स्टार्टिंग से एक साइड से मैंने ये पिन अप करना स्टार्ट किया है एक बराबर रखते जाएंगे और ये देखिए इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया इसे यहाँ ये जो गैदर्स है ना इनको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया अब दूसरी साइड से मैंने इसे आपस में अटैच करना स्टार्ट कर दिया ये दूसरी तरफ से भी मैंने इसे स्टिच कर दिया अब जो गैदर्स है ना बीच में यहाँ पे मैंने इनको ओपन छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर गैदर्स हमें कम ज़्यादा करने हैं तो वो कर सकते हैं हम यहाँ पे स्लीव्स मैंने स्टिच कर ली हैं अब साइड की जो सिलाई है वो भी हम लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक उसके आगे जो है मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको अलग अलग स्टिच करना है तो कमर से थोड़ा सा नीचे तक मैंने ये इकट्ठा स्टिच कर लिया है उससे आगे अब ये देखिए ये लाइनिंग को मैंने साइड हटा दिया है मेन फैब्रिक को अब मैं स्टिच कर लूंगी इसके बाद जो मेन फैब्रिक है इसको साइड हटा देंगे और ये जो लाइनिंग है इसको स्टिच कर लेंगे डोरी में टैसल्स मैंने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं तो दो डोरीज मैंने बनाई हुई हैं एक जैसी दो बैक के लिए दो फ्रंट के लिए तो टैसेस देखिए हमने किस तरह से बनाने हैं 2.5 पॉइंट फाइव बाई टू का यहाँ पे मैंने पीस लिया है इसको फोल्ड करके इस तरह से दोबारा फोल्ड किया और ये नीचे जो है इसको राउंड शेप दे दी अब राउंड शेप जो हमने दिया ना उसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है तो ये हो गया फैब्रिक डबल अब इस शेप में ये आ जाएगा इसको मैंने टर्न कर लिया है और डोरी को लेके इस तरह से इसके अंदर हमने डोरी को इंसर्ट कर देना है और सिलाई लगा देनी है बस ये जैसे इसको हम टर्न करेंगे ना ये बहुत ही प्यारा सा एक टेसल बन जाएगा इसी तरह से बहुत सारे टेसल्स मैंने अटैच कर दिए हैं इसको यहाँ पे मैं स्टिच कर दूंगी ये यह देखिए यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने नोट लगा दिए ताकि ये जो सिलाई लगाई है वो दिखाई ना दे बस अब ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट बैक में भी मैंने इस तरह से डोरीज लगा दी हैं दो तो बस ये अब ड्रेस हमारी रेडी होगी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय